हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिग्गज स्टॉक से रिलेटेड जिसे काफी टाइम हो गया है एक लेवल पर चलते हुए, उस लेवल से नीचे जाता नहीं है। ओके, और ऊपर जाने की गुंजाइश उसमें इतनी है कि आपके पैसे को डबल कर सकता है। और अब टाइम आ गया, जैसे कि मैं अपनी स्टडी में हमेशा बताता हूँ कि 6 से 8 महीने के अंदर अंदर कोई भी जो न्यू स्टॉक्स आता है और फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो पैसा आपका डबल कर देता है। तो इसी तरीके का स्टॉक्स है। ओके, पहले भी आपको यहाँ पर इस स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है, बट अब टाइम आ गया है कि इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे तरीके से बात करी जाए, आपको बताया जाए, हमारे और भी ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि हम इस तरीके से स्टॉक्स बताते हैं और अच्छे खासे पैसे वो यहाँ पर मार्केट में कमा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 2 वीडियो यहाँ पर परसों की डेट में आई थी, चार्ट ऑफ द वीक, मैक्स फाइनेंशियल्स, ध्यान रखिएगा। रिजर्व रिवर्स हुई कैंडल, तो यहाँ पर इंडिया पेस्टिसाइड्स को भी ध्यान में रखिएगा। ये शेयर आपको मल्टीपैक अगर यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और अगर आपको हमारी पर्सनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप करिए और अच्छे खासा आपको वहां पर नॉलेज दी जाएगी, एज वेल एज आपको स्टॉक्स के बारे में बताया जाएगा और बहुत कम प्राइस पे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले आज की डेट में, उसका नाम है श्याम मेटालिक एनर्जी। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप जब हम इसके फाइनेंशियल, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है। एंड एट दैट पॉइंट जब यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर ये शेयर चल रहा है, तो देखिए, श्याम मेटालिक इज अ लीडिंग इंटीग्रेटिंग मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया विद अ फोकस ऑन लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट एंड फेरो अलॉय, मतलब फेरो अलॉय एज वेल एज लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। एंड कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेरो अलॉय, मतलब फेरो अलॉय का बनाने वाली सबसे बड़ी यहाँ पर ये कंपनी नजर आती है। एंड इन टर्म्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी इन इंडिया एंड हैज द एबिलिटी टू सी टू सेल इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स अक्रॉस द स्टील वैल्यू चेन, तो यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ध्यान रखिए। कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एंड इज, ये जो कि हमें ऑलरेडी पता ही है, यहाँ पर ऊपर हम पढ़ी चुके हैं, कैपेसिटी इनकी अच्छी खासी है। एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन द स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री, तो यहाँ पर स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में आपका फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है। तो कंपनी ऐसी वैसी नहीं है, कंपनी बहुत बेहतरीन है, कंपनी बहुत बड़ी है। द कंपनी इज प्राइमरी इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्टील, ओके, पहले यहाँ पर ये लॉन्ग स्टील में 31% का रेवेन्यू आता है, आयरन पैलेट से 9% का, स्पॉन्ज आयरन से 25% का, एंड स्टील बैलेट से अगर बात करें यहाँ पर TMT स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर वायर रोड्स कंट्रीब्यूट 15%, मतलब ये सारे के सारे बाकी के प्रोडक्ट्स लगभग 15% के इसके रेवेन्यू यहाँ पर ओवरऑल रेवेन्यू में से यहाँ पर आते हैं। बात करें द कंपनी इज प्लानिंग टू फर्दर एक्सटेंड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय न्यू लॉन्च लाइक ब्लास्ट फर्नेस, डुक्टाइल आयरन पाइप्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो देखिए, आयरन पाइप्स वगैरह यहाँ पर अब बात चल रही है किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक आपने देखा ही है 100 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर किसने, गवर्नमेंट मोदी जी ने यहाँ पर खर्च करने के लिए कहा है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर। तो जब वो पैसे खर्च होंगे तो याद रखिए ये जो जो चीज जिससे बनती है, ओके, उन्हें कितना फायदा होगा आप समझ लीजिए। और जब यहाँ पर कंपनी यहाँ पर लीडर है, यहाँ पर देखिए आयरन पाइप्स, एलॉय, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ये सब चीज में कंपनी काम करती नजर आती है, इसकी तरफ ध्यान देना है। फेरो अलॉयज कैपेसिटी यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी, यहाँ पर श्याम मेटालिक्स इज अमंग द लार्जेस्ट प्लेयर, एक तो लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिकली। एंड बात करें विद द एनुअल इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी 0.21 मिलियन टन एज और फरवरी 2020 विद 6.6 शेयर इन द कैपेसिटी, तो अगर हम बात करें तो 6.6% का शेयर भी यहाँ पर ये रखता है और यहाँ पर 0.21 मिलियन का टन का यहाँ पर इनका इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी भी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो 3 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पर संबलपुर उड़ीसा, जमुरिया इन एंड मंगलपुर इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर 3 यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव एन एग्रीगेट इंस्टॉलमेंट मेटल कैपेसिटी ऑफ 5.7 मिलियन टन पर एनएम की इनकी कैपेसिटी है, इन सबको मिलाया जाए। इसके अलावा द ग्रुप्स मैन्युफैक्चर प्लांट्स आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मिनरल रिच बेल्ट ऑफ आयरन और मैंगनीज और क्रोम और एंड कोल। तो देखिए, जो ओर का मतलब होता है ना, ये कच्ची चीजें होती है जो कि निकाली जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर पका के एक बेहतरीन आयरन को एक शेप दे के स्टील बनाया जाता है, और अलग अलग चीजें जैसे मैंगनीज और हो गया, क्रोम और हो गया। तो याद रखिए, ये जो कंपनी है
आगे चल के बेहतरीन रिटर्न्स देने वाली है। ओके, क्योंकि आयरन और स्टील से जो की बात कही जा रही है मैन्युफैक्चरिंग में लगनी लगनी है, और जब बड़े प्लेयर हो ना तो इन्हीं से खरीदे जाएंगे, इनके पास पैसा आएगा और यही यहाँ पर पैसा अच्छा खासा आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। और अगर यहाँ पर देखिए, कंपनी ऑल्सो हैज लॉन्ग टर्म लिंकेज ऑफ कोल एंड क्रोम और कोल एंड क्रोम से विद मंदी कोल फील्ड एंड उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड रेस्पेक्टिवली। इनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, तो कोल से रिलेटेड भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड पावर प्लांट तो यहाँ पर देख लीजिए, 8 कैपेसिटी कैप्टिव पावर प्लांट्स विद एग्रीगेट इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी और 227 मेगावाट। यहाँ पर ये इनसे पावर प्लांट से रिलेटेड बता रखा है कि ये पावर प्लांट में क्या करते हैं, हेल्दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज दे इंटेंड टू एक्वायर डिस्ट्रेस्ड स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड देम विद देयर ऑपरेशन, इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 5.7 मिलियन टन टू 11, मतलब 2025 तक लगभग डबल करते हुए नजर आ रहे हैं, मोर देन डबल करते हुए नजर आ रहे हैं ये यहाँ पर अपनी कैपेसिटी को, इस चीज को याद रखिए। और यहाँ पर कुछ इनके बिजनेस को समझने के लिए इनके एक बार वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये कंपनी किस तरीके से काम करती है वो, और ये देखिए ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है वो यहाँ पर आपको एक बार पता चल जाएगी। तो आप एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइए, इस तरीके जितने भी ये सरिया और ये सब चीजें ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर डबल ये से तो छोड़िए, ये तो एक नेगेटिव चीज है, इसे को देखना क्या है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें, ये एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है ओके, एज वेल एज 5.7 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की इनकी वो है कैपेसिटी। पावर की बात करें, यहाँ पर कंपनी पावर, एल्यूमिनियम फॉइल्स, स्टील, ये फेरो अलॉयज एज वेल एज पावर, ये सभी चीज़ों से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है एक बार। और देखिए घर और जब ये सब चीज़ बनती हुई नजर आएगी तो ये कंपनी का प्रोडक्ट्स यूज होते हुए दिखाई देंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा। यही नहीं कि कुछ पर्टिकुलर अगर बात करें स्टेट में यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, पूरे भारत में किया जाएगा, और जब पूरे भारत में किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी आगे आके दिखाई देगी। तो एक बार इस कंपनी की तरफ नजरें बनानी है, कंपनी काफी प्रॉमिसिंग है, कंपनी काफी बेहतरीन है, और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए एक बार चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। मार्केट कैप 9,240 करोड़ की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 362 के आसपास 10 रुपए के फेस वैल्यू के साथ कंपनी चल रही है। 461 रुपए पे शेयर गया था, उसके बाद से लगभग 100 रुपए करेक्ट हो चुका है, और आपको यहाँ पर शेयर बहुत कम प्राइस पे ही पहले भी बताया था, आज दोबारा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। डेट आरओसी आरओई की बात करें सबसे बेहतरीन है, यहाँ पर देखिए 2626, और पीई की बात करें सस्ते 11 का पीई है, कोई प्राइसिंग नहीं है। डेट की बात करें 22% का यहाँ पर डेट नजर आता है ओके। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, शेयर अभी आता हुआ दिखाई दिया था जुलाई में, जून में सॉरी, और उसके बाद देखिए अच्छा खासा भागा था, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, और यहाँ पर चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 250 DMA के बहुत नीचे यहाँ पर शेयर चल रहा है, और हमेशा बताता हूँ कि कोई भी बेहतरीन चीज जब 200 DMA के यहाँ पर नीचे चल रही हो ना, याद रखिएगा ऐसे टाइम पे ही चीजों को उठाया जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे उठाने के बाद ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऐसी चीजों को नीचे लाते हैं, यहाँ पर लोग बेचना शुरू कर देते हैं, हताश हो जाते हैं काफी टाइम से। देखिए मेरे पास शेयर बहुत लंबे टाइम से मैंने रख रखा है, और बाय ऑन डिप्स पे बाय ऑन डिप्स किए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वंस इट विल स्टार्ट मूविंग अप तो ये इतना रिटर्न देगा कि आपके पैसे यहाँ पर पैसा डबल है, समझ लीजिए पहले ही बता देता हूँ। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके रिजल्ट काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पर सेल्स देखिए, यहाँ पर सेल्स इंक्रीजिंग मैनर में है, यहाँ पर पैंडमिक था, इसके बाद से पैंडमिक के बाद से हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स। नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट 458 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई बड़ी चीज है, इस चीज को याद रखिए। इसके अलावा देखिए ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो 2018 में 3747 था, फिर 4043, यहाँ पैंडमिक की वजह से था, और पैंडमिक से पहले भी कंपनी देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस में थी, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी, और हाईएस्ट एवर इस बार का यहाँ पर एक्सेल्स, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट, तो इस चीज को याद रखिए। रिजर्व देखिए बेहतरीन रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेट की बात करें कंपनी का, जो 1114 करोड़ का डेट था वो 796 करोड़ का रह गया है ओके। यहाँ पर और भी कुछ चीज की याद करते हैं, 506 करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में, 282 रुपए इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, और कैश बैक की बात
कर रहे थे 324 करोड़ का कैश भी है। इसके अलावा जो भी पैसे आते हैं इनकी बुक में दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1050 रुपये का इनका पास अभी कैश फ्लो भी है। आरओसी की बात करें 27 के आरओसी पे चल रहा है, काफी बेहतरीन आरओसी आरओई पे कंपनी काम करती है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग 88.35 है। यहाँ पर ओएफएस आएगा, ओके, उसमें 3 साल के अंदर अंदर कभी भी आ सकता है और ये कंपनी धमाल मचाएगी तब भी, और अभी भी दोबारा धमाल मचाती हुई दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो का हिस्सा बना दीजिए इसे। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें पब्लिक के पास 7.32% की होल्डिंग है। एफआईएस एक साथ खरीदेंगे और जैसे ही एफआईएस यहाँ पर खरीदना शुरू करेंगे शेयर प्राइस यहाँ पर बूम होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तो हमें और थोड़ा सा कन्विक्शन आ जाएगा इस स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पर तो यहाँ पर श्याम मेटालिक हम यहाँ पर गए तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली शेयर चल क्या रहा है। यहाँ पर देखिए 56% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट यहाँ पर कभी भी आने वाले और कंपनी यहाँ पर देखिए डिविडेंड भी पे करती है, अच्छे खासे डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया। अब आते हैं चार्ट पे, मेन बात आते हैं तो देखिए 200 और यहाँ पर 50 डीएमए के नीचे चल रहा है। और देखिए लोग काफी लोग कहते हैं कि 200 डीएमए के नीचे चीजें चली है तो नहीं लेनी चाहिए, बट यहाँ पर फाइनेंशियल मेरा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड है। मैं यहाँ पर अच्छी चीजें बताता हूँ तो मैं यहाँ पर पूरी खुल के बताता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 200 डीएमए और 50 डीएमए जब चीजें नीचे आने लग जाए तो यहाँ पर बाई करना चाहिए उन स्टॉक्स को जो यहाँ पर अच्छे फंडामेंटल के साथ है। फंडामेंटल्स आपको दिखा दिए, कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और एक सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया ऊपर गई फिर नीचे आई तो इसी इधर ही सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए तो यहाँ पर तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल कम है, ओके। और ऊपर जाने के लिए देखिए सबसे पहला टारगेट यही है जो 460 रुपीज का है, और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये टारगेट कितना बनता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो पहला टारगेट तो है लगभग 27% का, बट मैं यहाँ पर 27% के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फॉर डबल माई मनी, मतलब 362 रुपये का है तो यहाँ पर डबल समझ लीजिए, जितना भी है लगभग 750-800 रुपये तक ये जाता हुआ शेयर मुझे नजर आता है। आरएसआई की बात करें 37 के आरएसआई, देखिए यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। 37 के आरएसआई पे कंपनी काम कर रही है, 200 और 50 डीएमए के नीचे चल रही है, थोड़ा सा वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। स्टील के प्राइस दोबारा, स्टील के शेयर दोबारा भागेंगे और जब स्टील के शेयर भागेंगे तो ये शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको शेयर बताया था उसके बाद ऊपर गया था वो हमने बेचा नहीं, ओके, क्यों हमें, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर डबल होने हैं पैसे तो क्यों बेचना। अभी दोबारा अगर बात करें यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की जा रही है और ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। काफी बार इसने 3 बार यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है तो यहाँ पर बात करें ये शेयर ऊपर जाना है, इसे नीचे नहीं जाना, इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है, बाकी हमारी कोई सर्विसेज चाहिए तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट फॉर एवर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, हमें एक पिंग करिए, हमारी सर्विस से रिलेटेड जानकारी लीजिए, अच्छी लगे तो लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आप हमारी हमें फॉलो करते रहिए। यहाँ पर डेली बेसिस पे वीडियो बनाई जाती है, सीखिए, सीख के अपनी तरफ से स्टडी करिए, अपनी तरफ से मेहनत करें और अच्छा खासा पैसा और बेहतरीन बनता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।